लगातार हो रही है एमपी में, स्ट्रांग सिस्टम जारी है। मौसम विभाग ने लगातार ये संभावना और ये चेतावनी जारी की है। ये अनुमान लगाया है कि एमपी में अब बारिश का जो दौर है वो अभी थमा नहीं है और कुछ इलाकों में अलर्ट भी जारी किया गया है। जी अमृतांशी, मौसम को लेकर भी आप ताज़ा अपडेट हमें बता दीजिए। तो देखिए ज्योति, आज मैं अपनी बालकनी में खड़ी हुई हूँ। वजह यही है कि राजधानी भोपाल में कल से ही तेज बारिश का दौर लगातार जारी है और ये जो बारिश है ये सिर्फ भोपाल में नहीं पूरे मध्य प्रदेश में है, पूरा मध्य प्रदेश भीग रहा है। मध्य प्रदेश में जो ओडिशा में एक डीप डिप्रेशन है उसके कारण स्ट्रॉन्ग सिस्टम है और खासतौर से प्रदेश के कई जिलों में इसको लेकर रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। विदिशा, रायसेन समेत अगर अन्य जिलों की बात करें तो यहाँ पर बारिश को लेकर रेड अलर्ट है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, पांडौरना, इसके साथ ही साथ बुरहानपुर, कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश को लेकर ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया गया है और इसके अलावा येलो अलर्ट भी करीबन 2 दर्जन से ज्यादा जिलों में है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश में कई जगहों पर अब स्थिति थोड़ी अस्त व्यस्त भी होती नजर आ रही है। राजधानी भोपाल में ही क्योंकि लगातार तेज बारिश का दौर जारी है, 3 डैम के गेट यहाँ पर खोल दिए गए हैं। सिवनी, बालाघाट, मंडला, इन जिलों में लगातार भारी बारिश के दौर के कारण जो है वो जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। नदी नाले उफान पर है और ये बारिश देखिए अभी रुकने वाली नहीं है। अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश इसी तरह से जारी रहेगी और ये माना जा रहा है कि जो ये स्ट्रॉन्ग सिस्टम है ये जो है मध्य प्रदेश को अगले 7 दिनों तक बिगाड़ते रहने वाला है। यही वजह है कि पूरे मध्य प्रदेश के जो 55 जिले हैं कहीं पर ऑरेंज अलर्ट है, कहीं पर रेड अलर्ट है, कहीं पर येलो अलर्ट है और लगातार बारिश का दौर इसी तरह जारी रहने वाला है। लोगों को परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ेगा लेकिन ये सितंबर का अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम है जो कि मध्य प्रदेश को आने वाले दिनों में भिगाएगा तो सही, लेकिन इसमें अगर इस तरह ही बारिश होती रही तो सितंबर की बारिश का कोटा भी पूरा हो जाएगा। जी जी अमृतांशी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। तो राजनीति से लेकर जो भी प्रशासनिक फेरबदल हो रहे हैं और मौसम समेत तमाम अपडेट हमारी सहयोगी अमृतांशी ने हम तक पहुंचाया।